जन जन की आवाज जीएन भारत आज प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुका है। जी हां, झारखंड मंत्रालय में हम मिले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से। हमने विस्तार पूर्वक कुछ बातें की और सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि हमने पीडीएस सिस्टम की बात की। आपको बताते चले झारखंड में गेहूं की बहुत किल्लत हो गई है। पीडीएस सिस्टम जो है उसके थ्रू गेहूं चावल दाल जो भी मिलते हैं उसमें इस बार सिर्फ चावल मिल रहे हैं। आंखों देखा हमारा ये हाल था, तो हमने यही सवाल लेकर जब वित्त मंत्री से पूछा कि गेहूं कहाँ है, तब उन्होंने क्या कुछ बोला ये हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑर्गेनिक खेती को लेकर हमेशा रामेश्वर उरांव कहते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती जो है बहुत पौष्टिक होता है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, इस पे रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा और झारखंड में भी ऑर्गेनिक खेती का क्या कुछ स्टेटस है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या कुछ झारखंड सरकार कर रहा है, इस पर सुनिए रामेश्वर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खुद क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोग कोई भी सरकार होती है रेवेन्यू जनरेट करती है, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करती है। ये सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। हम बीच बीच में रिव्यू करते हैं कि जो टारगेट रखे हैं साल भर के लिए उसमें कितना अचीव किए, कितना हमको प्राप्त हुआ, कितना परसेंट, और फिर क्या आने वाले मार्च तक जब एंड जब करेगा उसमें कितना प्राप्त करेंगे, और नए ढंग से किसको आगे बढ़ाएं, किस तरह से इसमें एफिशिएंसी लाएं कलेक्शन में कि हमको और ज़्यादा राशि आ सके। जैसे आपको माइंस में, ट्रांसपोर्ट में, इसी तरह से और एक्साइज में, अभी हम लोग एक्साइज चल रहा है, पूरा डिटेल नहीं बता पाऊँगा अभी, नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारा एक्साइज चल रहा है और निश्चित रूप से राज्य में रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले की तुलना में अभी स्थिति अच्छी हो गई है और बेहतर होते जा रही है, और आने वाले समय में हमारा प्रयास, हमारे पदाधिकारियों का प्रयास, विभिन्न विभागों में जो जहाँ रेवेन्यू आता है उनके प्रयास से रेवेन्यू बढ़ेगा। रामेश्वर जी, हमने खुद देखा है कि पीडीएस सिस्टम को लेकर आपने बहुत कुछ काम किया है, उस पर नो डाउट है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि राशन आने में थोड़ी देरी होती है। इस बार हमने आपको देखा है कि सिर्फ चावल मिले हैं, गेहूं नहीं मिला, इस तरह की अनियमितता पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, इसमें किसी को भी स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं तो स्पष्टवादी हूँ कि गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को हम एड्रेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को हम दूर करने की हर कोशिश कर रहे हैं। एक और चावल गेहूं का जो सवाल है, तो आप जानती हैं कि इस बार गेहूं कम हुआ है, पंजाब हरियाणा पैदा ही कम हुआ है, इसीलिए आप देखिएगा कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, भारत सरकार ने एक्सपोर्ट गेहूं का बंद कर दिया है, और यहाँ पर भी हम लोगों को भी जो कोटा होता था गेहूं का उसको कम कर दिया गया है, इसीलिए चावल ज़्यादा मिल रहा है, गेहूं कम मिल रहा है, ये बात यहाँ पर है। तो उसमें किसी का दोष नहीं है, पैदा ही कम हुआ है, उपज ही कम हुई है, तो नेचुरली स्वभावतः कम मिलेगा। आपको नहीं लगता कुछ और चीज़ भी, दाल और कुछ पौष्टिक आहार भी पीडीएस सिस्टम के थ्रू करना चाहिए, जिससे न्यूट्रिशन इसी बार के बजट में हम लोगों ने दाल देने की बात कही है। आपको 10-15 दिन के अंदर है ना, ये पास हो जाएगा कैबिनेट से और दाल मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक खेती का क्या स्टैंड है, आप हमेशा इसको लेकर थोड़ा सा? देखिए, ऑर्गेनिक खेती में आपको संभल के चलना होगा, एक साथ नहीं चलना होगा। अब ऑर्गेनिक खेती में खेती कराया हुआ श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहाँ खाद्य संकट हो गया है, तो उस रास्ते में नहीं चलना है। ये हमको सावधान करता है श्रीलंका की समस्या कि आपको होलसेल नहीं जाना है तुरंत, आप धीरे धीरे कीजिए। आप मालूम है ना कि श्रीलंका में हालत खराब है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती में उपज बहुत धीरे धीरे होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंड रहें तो कहीं ना कहीं अगला श्रीलंका बन जाएगा, खाने की किल्लत हो जाएगी। ये चीज बहुत पेशेंस के साथ होगा, अभी जो चल रहा है उसे ट्रेडिशनल सोर्सेज चलते देना चाहिए। इसके साथ ही रेवेन्यू के मामले में उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रेवेन्यू को ये ट्रेडिशनल सोर्स से लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, माइंस को भी हम देख रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने देश से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इस पर कार्य किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रे अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।